नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी महेश सिंह जीना ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि बीजेपी के लिए ये कोई चुनौती वाली सीट नहीं है, क्योंकि दिवंगत सुरेंद्र जीना ने वहां पर विकास के कई काम किए हैं, जिससे जनता उनको पूजनीय मानकर उनके परिवार के महेश जीना को विजयी बनाएगी। बता दें कि नामांकन स्थल भाकिया सैंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय सल्ट, चुनाव के प्रभारी सुरेश भट्ट, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन के बाद सियालदे छयानी बगड़ में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया था। ये बहुत ही कह सकता हूं मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध नेता जीना जी, जो वहाँ के जनप्रिय नेता थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया और उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया। लोकतंत्र का तकाजा है कि हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है, नहीं तो इस चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिस तरह से जीना जी के सपने उस विधानसभा के लिए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके भाई को ही महेश सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और महेश जीना जी भी पूरा समय राजनीतिक रूप से क्षेत्र में ही लगाते हैं, वो भी अपने भाई का पूरा सहयोग करते थे, इसलिए उस क्षेत्र में वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और उस क्षेत्र में लोग सब उन्हीं को जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो जीना जी के सपने थे उनको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और महेश सिन्हा के माध्यम से हम वहाँ पर जो विकास के उन्होंने सपने देखे, जो काम उन्होंने किया है, उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए महेश सिन्हा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भले ही अपने अपने दावे ठोक रही हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद ही नहीं है। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कोरोना के समय दिल्ली से उत्तराखंड के लोगों को वापस आने पर मजबूर कर दिया था। अब वो उत्तराखंड के लोगों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? जनता उनको जवाब देगी और 2022 के चुनाव में आप कहीं भी दिखाई नहीं देगी। जो संघर्ष होना है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा। तो हमारे लिए तो बोलेंगे, वो हमारे लिए तो बोलेंगे, वो हम उनका काम कुछ नहीं है। उनका काम प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, ऐसे प्रोपेगेंडा कर देते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजनीति में उनका चवन्नी का योगदान नहीं है। आखिर जो कुछ भी होगा यहाँ कांग्रेस से और बीजेपी के बीच ही रहना है। आम आदमी पार्टी दिन में सपने ना देखे। तो उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा से उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जहां बीजेपी से महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस से गंगा ने नामांकन दाखिल किया है, जिसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 15 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जो समय के अनुसार सल्ट विधानसभा में जाकर प्रचार करेंगे और उपचुनाव में कांग्रेस की सीट जीत कर आएंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने 15 स्टार प्रचारकों के नाम घोषित कर दिए हैं, एक लिस्ट जारी की गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का नाम है, साथ ही साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अब स्टार प्रचारकों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं, कितना फायदा आने वाले चुनाव में मिलने वाला है? सल्ट उपचुनाव की तो इसको बीजेपी जो है अपनी चुनौती को लेकर चुनौती की तरीके से देख रही है। हालांकि उनका कहना है कि ये सीट जो है, क्योंकि जो पूर्व जो विधायक थे वहां पे सुरेंद्र जीना, उन्होंने विकास कार्य किए हैं, लोग उनको वहां पर काफी मानते हैं, तो ये सीट उनकी झोली में जरूर जाएगी। परंतु कांग्रेस भी जो है वो अपने प्रत्याशी की जो है पूरी तरीके से दावेदारी कर रही है कि ये सीट वो चुनेंगे। आज इसी के तहत जो है उन्होंने अपने स्टार प्रचारक जो है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। और जो बात हुई हमारी, उनका कहना था कि उसमें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम जरूर है। यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी नेता हैं इनके, वो वहां पे करेंगे। आज जो है नामांकन के बाद तुरंत जो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं उन्होंने जनसभा की है और बीजेपी के जो कारनामे थे वो जनता के बीच में ले जाने की जरूर बात की है। जी साहिल, अवनीश, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से सल्ट विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर आज नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही तरफ से आज नामांकन पत्र भर दिया गया है, तो अब आने वाले चुनाव में जो प्रचार का सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है,
किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए साहिल, अगर बात करें उपचुनाव की तो ये देखा जाए तो ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तीरथ सिंह रावत जी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है ये सामने आएगी, क्योंकि उनका अभी जो है मुख्यमंत्री बने हुए उनको मैच दो एक महीने भी नहीं हुए और ये चुनाव सिर पे आ गया और 2022 भी जो है चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है, तो इसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं जो है अपनी रणनीति बीजेपी ने और कांग्रेस दोनों ने तय कर रखी है, क्योंकि जो है उनका कहना था कि जिस तरीके से जो काम किए गए हैं, विकास कार्य नहीं हुए, इनको जो है बीच में सीएम को हटाना पड़ा है, तो अगर हटाया है तो जो विकास कार्य किए होते तो ना हटाना पड़ता, तो इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया है और दोनों ही जो पार्टियां हैं, जो मेजर पार्टियां, वो दोनों यहाँ पे अपनी अपनी सीट को लेकर दावेदारी कर रही है। जी चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए और हरिद्वार कुंभ के स्थानों को देखते हुए हरिद्वार में वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे राज्यों के स्थानों पर ज्यादा जहां से मामले मिल रहे हैं और लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाए और इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। वहीं सैनिक कल्याण और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण से संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि बैठक विधानसभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और लगभग भारत का हर पांचवा सैनिक उत्तराखंड से है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, जिसमें उत्तराखंड का पांचवा धाम सैन्य धाम की स्थापना का निर्णय लिया जा चुका है और अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक जितने भी उत्तराखंड के सैनिक शहीद हुए हैं उनके घर जाकर एक सम्मान पत्र संबंधित परिवार को दिया जाएगा और उनके घर से मिट्टी लेकर सैन्य धाम में लाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने निदेशक सैनिक कल्याण को निर्देश दिए गए कि 10 दिनों के अंदर इसका रोड मैप तैयार कर लिया जाए। इसके लिए भी देखिए अधिकारियों को निर्देशित किया है, मैंने जब मीटिंग ली थी मैंने उनसे कहा कि 15 दिन के अंदर मुझे पूरी डाटा चाहिए, पूरी रिपोर्ट चाहिए और जो दिक्कतें आ रही हैं मैंने कहा मुझे एक कंपटीटिव चार्ट चाहिए कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट चार्जेस कितना है, हरियाणा में हमारे बगल में कितना है, हिमाचल में कितना है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य वहाँ 5% डेवलपमेंट चार्ज है, हम 15% ले रहे हैं, तो क्यों हमारे यहाँ लोग लगाने के लिए आएगा। इसी प्रकार जो इसके लिए हम एनओसी मांगते हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऋषिकेश में होटल ताज में 76 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से 3 दिन के लिए होटल बंद कर दिया गया। टीरी गढ़वाल एसएसपी ने बताया कि होटल को सैनिटाइज कर एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश में बद्रीनाथ राजमार्ग स्थित सिंगटाली के समीप ताज होटल में शनिवार को 25 अन्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद अब तक इस होटल में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। वहीं हरिद्वार कुंभ के गीत कुटीर में 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 31 स्टूडेंट्स, 6 कर्मचारी, 2 संत और 3 बुजुर्ग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों से बात की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो उत्तराखंड में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऋषिकेश में होटल ताज में 76 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, शनिवार को 25 अन्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हरिद्वार कुंभ के गीत कुटीर में 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 31 स्टूडेंट्स, 6 कर्मचारी, 2 संत और 3 बुजुर्ग संक्रमित पाए गए। मैदानों के साथ पहाड़ों में भी संक्रमितों के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक समीक्षा बैठक भी की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से इस बैठक में बातचीत की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
वहीं उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की कोविड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब वो कोटद्वार से देहरादून आकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे। बेस अस्पताल के पीएस डॉक्टर बीसी कला ने बताया कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को बुखार, गले में दर्द और बदन दर्द हुआ, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी के साथ बेस अस्पताल पहुंचे, जहां जांच में कोविड 19 के लक्षण पाए जाने पर उनका एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें वो कोरोना संक्रमित पाए गए। तो कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से हाई अलर्ट पर है और अब कोरोना की सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। साथ ही बॉर्डर पर सैंपलिंग के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फिर से बड़े पैमाने पर लोगों के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। खासतौर पर होटल, ढाबे, बैंक जैसी जगहों पर सैंपलिंग कराई जाएगी। सैंपलिंग को लेकर लक्सर में भी तैयारियां तेज हो गई हैं और एडीएम शैलेंद्र नेगी का कहना है कि सैंपलिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली गई थी, जिसमें तमाम रणनीति तैयार कर ली गई है। अब उस पर पूरी मुस्तैदी से काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, जो कोरोना संबंधित मामलों में लापरवाही बरतेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये सब हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसके दृष्टिगत जो है, जिलाधिकारी महोदय ने 25 मार्च को सभी नोडल अधिकारियों की और महत्वपूर्ण जो इस काम में लगे हुए लोग हैं उनकी बैठक ली थी, और हमने भी 27 मार्च को जो तहसील स्तर पर अधिकारी हैं और हमारी कोविड की टीम है, टास्क फोर्स, उनकी बैठक ली। और उसके बाद ये तय हुआ है कि हमें सैंपलिंग को बढ़ाना है। अभी तक हम लोगों की स्ट्रेटेजी ये रही है कि हम लोग बॉर्डर जो हमारे अंतर्राज्यीय हैं वहाँ पर सैंपलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य में जो भी प्रवेश करेगा उसकी सैंपलिंग हो। लेकिन अब उसके साथ साथ हम जो अंदर हमारे काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और साथ साथ में हमारे होटलियर्स हैं, हमारे गन्ना तोल केंद्र के लोग हैं, हमारे आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और केवी हैं, इस तरीके से इनमें भी हम सैंपलिंग को बढ़ा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update.